जांच टीम ने 4 पेट्रोल पंप पर की छापेमारी। जवां में फर्जी पेट्रोल पंप पकड़े जाने के बाद पूर्ति विभाग ने संयुक्त जांच टीम बनाकर जिले भर में चेक इन अभियान शुरू कर दिया है। संयुक्त जांच टीम ने 4 पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। इस दौरान पेट्रोल पंप डीजल की माप सही गुणवत्ता की चेकिंग की, यह सभी जांच में सही पाए गए। हालांकि उन सुविधाओं को लेकर थोड़ी नाराजगी जाहिर की जिनमें पेट्रोल पंप पर महिला पुरुष शौचालय शुद्ध पेयजल निशुल्क हवा की सुविधा आदि को लेकर चेताया गया। इन सभी सुविधाओं को जनहित में दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश दिए। जिला पूर्ति विभाग राजेश कुमार सोनी ने बताया कि एसीएम प्रथम कुंवर बहादुर सिंह, वार्ड माप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह की संयुक्त टीम के पास पूर्ति विभाग में मैसर्स नरोत्तम मोटर इंजीनियरिंग वर्कर तस्वीर महल राणा ऑटोमोबाइल्स माल गोदाम कृष्णा ऑटोमोबाइल्स सराय रहमान जीटी रोड और विशाल पेट्रोलियम गुलर रोड की जांच की, जिसमें 5 लीटर से स्टैंडर्ड मानक के माप करने पर मात्रा अनुमानित सीमा पाई गई तथा गुणवत्ता की जांच के लिए डेंसिटी की जांच की गई। इसके साथ ही स्टॉक रजिस्टर खंगाले गए, ये सभी अनुमानित सीमाएं पाए गए। इनके साथ ही जन सुविधाओं को देखा गया। पेट्रोल पंप संचालकों को महिला पुरुष शौचालय शुद्ध पेयजल निशुल्क हवा की सुविधा आदि को लेकर कहा गया कि इन सभी सुविधाओं की जनहित में दुरुस्त रखा जाए। आग से बचाव में इंतजामों को समय समय पर परखा जाए। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक प्रमोद कुमार मौजूद रहे। सर किस तरह की यहाँ चेकिंग की गई थी? क्या जो पेट्रोल पंप है भैया, चेकिंग का है, उनके लाइसेंस चेक कर रहे हैं, मेजरमेंट देख रहे हैं। सर कोई शिकायत मिली थी पेट्रोल पंप की? नहीं, जनरल रूटीन की चेकिंग, रूटीन चेकिंग है। और इसको चेक किया गया तो इसमें जो अलाउड वेरिएशन था उसी के अंतर्गत मेजरमेंट किया गया।